शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब आसमान फट जाएगा और अपने परवरदिगार का फरमान बजा लाएगा और उसे वाजिब भी यही है, और जब जमीन हमवार कर दी जाएगी और जो कुछ इसमें है उसे निकाल कर बाहर डाल देगी और बिल्कुल खाली हो जाएगी, और अपने परवरदिगार के इरशाद की तामील करेगी और उसको लाजिम भी यही है, तो कयामत कायम हो जाएगी। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने में खूब कोशिश करता है सो उससे जा मिलेगा, तो जिसका नाम आया आमाल उसके दाहने हाथ में दिया जाएगा, उससे हिसाब आसान लिया जाएगा और वो अपने घर वालों में खुश खुश आएगा, और जिसका नाम आया आमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, वो मौत को पुकारेगा और दोजख में दाखिल होगा। ये अपने अहल वयाल में मस्त रहता था और ख्याल करता था कि खुदा की तरफ फिर कर न जाएगा। हाँ हाँ, उसका परवरदिगार उसको देख रहा था। हमें शाम की सुर्खी की कसम और रात की और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब कामिल हो जाए कि तुम दर्जा दर्जा रुतबा आला पर चढ़ोगे, तो उन लोगों को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लाते, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते, बल्कि काफिर झुटलाते हैं, और खुदा उन बातों को जो ये अपने दिलों में छुपाते हैं खूब जानता है। तो उनको दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। हाँ, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बे इंतहा अजर है।